ये मोमिनों से कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को, अहले किताब को अपने राजदार ना बनाओ, जिसको आजकल इंटेलिजेंस शेयरिंग कहा जाता है। मुसलमानों के लोगों की इंटेलिजेंस लेकर काफिरों के, अमेरिका के, इसराइल के सपोर्ट की जाती है ताकि उन्होंने जो जुल्म करना है इनके साथ करें, और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कहलाती है। ये जो भी करता है कुरान के इस पैगाम को सुन ले। ए ईमान वालों, अपनों के सिवा दूसरों को अपने राजदार ना बनाओ, ये लोग तुम्हारे खिलाफ शर फैलाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। ये अल्लाह बता रहा है मोमिनों को, लेकिन आजकल के सो कॉल्ड मोमिन ये काम कर रहे हैं। ये तुम जो कर रहे हो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जब इनको मौका मिलेगा ये तुम्हें, तुम्हारे दीन के दुश्मन है ये, तो सिर्फ तुम्हें हड्डी फेंकते हैं ताकि तुम जरा इनके धोखे में आ जाओ। ये लोग तुम्हारे खिलाफ शर फैलाने में कोई कोताही नहीं करते, जिस बात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे उन्हें बहुत पसंद है। जब भी किसी कोई ऐसा काम हो जिसमें इस्लाम का नुकसान हो, इनको मजा आता है, यहूदियों को, इन अमरीकी हुकूमत को, इनको लुत्फ आता है कि ये लड़े आपस में। ये तो आके लेक्चर्स देते हैं, मसलन अरब इमारात में फलाम में आके लेक्चर देते हैं कि शियों के खिलाफ डट जाओ वरना शिया जो है वो तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। ये मुखलिस है अहले सुन्नत के। अफगानिस्तान में अहले सुन्नत नहीं जिनको बमों से मारा है, तो फरमा रहे ये धोखा देते। कुरान ने तो पहले से फैसला कर दिया, लेकिन अफसोस कि कुरान वाले कहां से ढूंढे जाएंगे।